सुबह से मैंने इनको बंद किया हुआ था, बारिश हो रही थी, तो माशाल्लाह से सारे ही फिटफाट और बेहतरीन हुए हुए। अंडा उठा के जी बाहर फेंक दिया है इसने। ओए 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 यार, अंडा तोड़ दिया यार इसने। यार बहुत ही ज़्यादा मुझे अफसोस हो रहा है, अंडा इसने बाहर फेंक दिया इस फीमेल ने। पता नहीं यार मेल ने फेंका या फीमेल ने फेंका, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये अंडा बाहर कैसे आ गया। तो मैं उठाता हूँ, इसको उठा के देखता हूँ कि क्या इशू है। तो यार ये मुझे मार रहा है, लेकिन ये अंडा उठा लेता हूँ मैं। तो यार इस जोड़े ने ना, ये देख सकते हैं आप, अंडा तोड़ दिया यार, अंडा यार तोड़ दिया इन्होंने। तो इनके अंडे अंदर ही पड़े हुए हैं, ये दो अंडे पड़े हुए हैं इनके अंदर ही। और इनको मैं दाना पानी वगैरह भी मैंने करना है। तो सुबह से यार बारिश थी तो मुझे पता नहीं था, और मैंने अभी खोला है तो यार ये मैंने अंडा देखा है तो ये टूटा हुआ है सारा, और फर्टाइल अंडा था यार, ये तो फर्टाइल अंडा था। इसके अंदर रगे भी बनी हुई हैं यार बच्चे की, और इसमें बेबी बन रहा था। ओए होए 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 यार, अल्लाह की मर्ज़ी है यार, टूट चुका है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं बंद कर देता हूँ फ़िलहाल, जो एक अंडा बन रहा है वो बनता रहे। यार मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना अफसोस हो रहा है। तो अंडा यार हमारा टूट गया है, चनन चोया की फ़ीमेल ये बैठी हुई है यार, तो क्या कर सकते हैं अब हम। यार जो मर्ज़ी थी, खुदा की मर्ज़ी थी, ये टूट चुका है इस टाइम अंडा, तो कुछ कर नहीं सकते हम फ़िलहाल। दुआ कर सकते हैं, अल्लाह करेगा और अंडे आ जाएंगे। और ये यहाँ से जो मैंने कबूतर निकाल के रख दिए थे अंदर, और वो ये कुछ रह गए थे, इनमें से एक दो, इनमें से ये भी, ये जो सामने पड़े हुए हैं ना, ये उठा लेता हूँ मैं, इनको भी अंदर कर देता हूँ। बाकी अंडे को मैं साइड पर रख देता हूँ, इसको आके मैं देखता हूँ। ये मैं आपको दिखा दूँ अगर, यार ये था फर्टाइल अंडा, इसके अंदर ना वेंस भी बन रही थी, इसकी लाल लाल वेंस भी बन रही थी, लेकिन क्या कर सकते हैं जी, अब तो टूट चुका है। बाकी हमारा एक ये इधर वाइट का जोड़ा पड़ा हुआ है, और क्योंकि यार अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले रहे थे, वो जगह पूरी नहीं हो रही थी, तो मैंने कहा कुछ परिंदे यहीं पे पड़े रहे। वो हमारा लाल चिराजी बैठा हुआ है, ये हमारी फीमेल बैठी हुई है पुरानी वाली। तो चलो जी, यार बहुत ज़्यादा मुझे दुख हो रहा है इस टाइम, अंडा यार टूट चुका है, दुख हो रहा है मुझे, पता नहीं क्या क्या वजह हो सकती है। तो मैं देखूँगा कि इसके मेल के नीचे दो अंडे हैं या एक अंडा है। यार इसने फेंका कैसे होगा अंडा, अंडा यार इसके अंदर से निकल कैसे गया, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये तो उठा के तो फेंक नहीं सकते, अंडा पड़ा होता है अंदर। तो ये भी अपने अंदर कर रही है फीमेल, ये सही तरह इनकी वेट कर लेती है यार, ठीक है ना, ये सही तरह कर लेती है। इनको हमने स्पेस दे दिया लदा, मैं कोशिश करूँगा कि ये जोड़ा नीचे ला के रख दूँ, और ये बहुत जल्द ब्रीड कर देगा, इसका मुझे कंफर्म हो रहा है कि ये ब्रीड कर देगा, क्योंकि हमारा वो चनन चोहे का जोड़ा ब्रीड नहीं कर रहा, ये कर देगा ब्रीड। इसको मैं नीचे ला के रख दूँगा तो ये भी अंडे शंडे दे देंगे। तो मैं इनको कर देता हूँ अंदर, ये जो दो पड़े हुए इनको भी खोल के अंदर कर देता हूँ मैं, क्या कर सकते हैं यार, अब तो अंडा गया टूट। ये यार पकड़ लिया मैंने, और अंदर रख दिया मैंने। चलो जी ये बाहर आ रहे हैं, लेकिन इसको बाहर नहीं आने देना, इसको भी पकड़ लिया मैंने, किसी तरह पकड़ा जाए। तो जी इसको भी पकड़ लिया है,
इसको भी मैं अंदर कर दूंगा। ये जी अंदर कर दिए हमने, ये आप अंदर ठीक रहेंगे, बाहर ठंड भी है तो अंदर टेम्परेचर भी हमारा ठीक है। और यहाँ पे इनको मैं दाना चारा डाल दूंगा ताकि ये जो है ना अंदर आराम से ये जो है ना खाना छाना कर लें, और पानी भी अंदर ही कर दूंगा तो ये लड़ लड़ भी रहे हैं। देखें आप तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा यार बहुत प्यारा जोड़ा है, ये एक दफ़ा लग जाए ना तो ज़बरदस्त हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से चलते हैं, इनका देते हैं, इनको पानी दे देता हूँ मैं, पानी दे दूँगा ना ये तो। और ये घर आ चुका है यार, काफ़ी देर से गया हुआ था, ये भी आ चुका है घर। और इनको मैं हल्का सा दाना दूंगा तो ये आ जाएगा, ये मेल फीमेल ये जोड़ा लगने लग जाएगा, उम्मीद है मुझे बहुत जल्द लग जाएगा जोड़ा। तो ये घर आ चुका है इस टाइम, और ये इसका पानी वाला बर्तन ये मैं कर देता हूँ। यार दाना मुझे मिल चुका है और मैं दाना इनको डालता हूँ, ऐसा ऐसा करके इसको दाने को खोल लेते हैं। तो यार ये अभी जगह थोड़ी सी और बन जाए तो नए परिंदे भी लेके आएंगे, कुछ कबूतर और कुछ और चीज़ें भी लाएंगे। और ये दाना मैंने डाल दिया इनको, ये भी खा लें, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं दाने का, ये भी इंतज़ार कर रहे हैं दाने का। तो ये मैंने दाना डाल दिया है और मैं देखता हूँ, ये एक ही अंडा पड़ा हुआ यार, ये एक अंडा टूट गया यार और एक ही पड़ा हुआ है, इसके अंदर बच्चा भी बन रहा था। और यार बच्चा बन रहा था, बाकी कोई टेंशन नहीं थी, अगर अनफर्टाइल होता तो बेशक फेंक देते वो, इन्होंने अंदर बिट फेंक दिए तो मैं इनको दाना बाहर ही फेंक देता हूँ। तो ये बाहर से ही दाना खा लेंगे, इनके अंडे सही पड़े हुए हैं माशाल्लाह से, ये पड़े हुए हैं जी इनके अंडे, इनके अंडे बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं, ये इनको वेट भी कर रही है फीमेल। वो अंडा मुझे पहले दिन से ना हल्का सा क्रैक लग रहा था तो इन्होंने ना फेंक दिया, पता नहीं क्यों फेंक दिया। और अब ये दाना छाना खा रहे हैं और मेल जा रहे हैं अंदर वापस, अल्लाह करे यार इसको इनको कर लें और ये सही तरह मतलब के इनको वेट करें और अंडा उसमें से निकल आए, बच्चा निकल आए उसमें से। यार मेल की एक झांझर थी वो मुझे नज़र नहीं आ रही, वो पता नहीं टूट गई है या क्या हुआ है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। और इसने एक और भी पहनी हुई थी नीचे अपने पैरों में, वो जो पहनते हैं, ये भी वेट कर रहे हैं खाने का, इनको भी मैं डाल देता हूँ। तो ये एक वापस आ रहा है घर, ये आ गया जी, ये भी घर आ गया, ये भी खाना खा रहे हैं, ये भी खा लेंगे। और बाकियों को भी ऑलमोस्ट हमने दाना पानी कर दिया है, नीचे वालों को भी मैं कर देता हूँ दाना पानी। ये अपनी फीमेल के पास जा रहा है तो ये जो है फीमेल की आँख कुछ बेहतर हो रही है, फीमेल की आँख जो है ना बेहतर हो रही है, ये देखें जी साइड से आँख हुई भी थी ख़राब, इसको नज़ला हुआ था और ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है फीमेल की आँख। पानी इसमें है पड़ा, दूसरा पानी भी डाल देंगे। ये मेल अपनी फीमेल के पास जाने की कोशिश कर रहा है, इसको मैं खोल दूंगा और ये मेल खुद ब खुद अंदर चला जाएगा। और ये इस टाइम भूखे थे काफ़ी ज़्यादा, ये हमारा जो है जोड़ा, इनको भी मैं खोल देता हूँ बाहर आ जाएं। तो ये भी बाहर आके इनके साथ दाना पानी कर लेंगे क्योंकि मौसम बेहतरीन हो चुका है, बारिश सिस्टम ख़त्म हो गई है, इनको मैंने ऊपर कर दिया है, जो छप्पड़ सारा मैंने ऊपर कर दिया है और बारिश ख़त्म हो चुकी है। ये सारे जो हैं हमारे कबूतर बाहर आ गए हैं इस टाइम, और ये एक वाइट का जोड़ा, इसको भी मैं कोशिश करूँगा दाना दूँ और ये भी अंदर आ जाए। तो ये आ जाएगा आहिस्ता 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 करके आ जाएगा, या मुझे खुद निकालना पड़ेगा। तो ये जो है ना अपने घर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक जोड़ा है ये ना, ये चंदन चोहे का जोड़ा है हमारा। तो यार ये अभी तक ब्रीड नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन जब करेगा अच्छा होगा, कर ले तो बेहतर है यार। बाकी जो है ना हमने कोशिश की है कि जो सारे जोड़े हैं वो कर लें, ब्रीडिंग कर लें आहिस्ता आहिस्ता। तो यार मैं इनको दाना दिखा रहा हूँ और ये देखें जी, इनको दाना दिखाया मैंने कुछ, ये देखें ये सारे अब बाहर आ रहे हैं, ये भी बाहर आ चुका है। तो ये दाना डाल दिया मैंने अब, और माशाल्लाह से सारे ही कबूतर हमारे दाना खा रहे हैं। और
ये कुछ दो अंदर रह गए हैं, ये भी बाहर आ जाएंगे, तो हम अपने मुर्गा मुर्गी को भी दाना डाल देते हैं थोड़ा सा। बाकी उनको मैं नीचे से रोटी लेके आऊँगा, वो भी डालूँगा। और इसको मैं कर देता हूँ जी ऊपर। यार ये बहुत ज़्यादा ना भारी है, तो इनको मैं यहाँ से दाना डाल देता हूँ। तो मुर्गा मुर्गी भी हमारे दाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। इसने अंडा यार दिया था कल, तो आज तो नहीं देगी, अब तो ये कल ही देगी। तो इसको भी भूख लगी हुई है, बकरे को हमारे, इसको भी मैंने जो है वो भिगो के रख दिया है, और वो खा लेंगे। वो अपने ना घर चले गए फ़ौरन से, उन्होंने देखा है कि ये यहाँ, इनको मैंने ना कुछ दिनों से वहाँ पे बंद किया हुआ था नीचे वाली जगह पे ना, तो अब ये ना फ़ौरन से, ये मैंने जैसे ही खोला तो ये अंदर ना चले गए। तो सारे माशाल्लाह से दाना पानी कर रहे हैं। तो चलें जी, आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, और अपना ख्याल रखिएगा। और नई वीडियो में हम कुछ नए परिंदे लेके आएंगे और नई चीज़ दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।